व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी अवर। तो आ गए आप लोग। देखिए, हम लोगों ने पॉलिटी में पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खत्म करी, अब हम लोग देखने जा रहे हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का लास्ट चैप्टर। इसी तरीके से हम लोगों ने सारा हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, ये देखा हम लोगों ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई देखा, फिर हम लोगों ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल एंड लोकायुक्ता भी देखा। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि हमने लगभग 70% अपनी पॉलिटी कवर कर चुके हैं हम लोग। तो 30% पॉलिटी लगभग और बची हुई है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी, देखिए ये तो खत्म हो जाएगी, इसमें कोई बात नहीं है, पर आप लोग रिविजन जरूर करते रहिए। कोशिश कीजिए कि पीछे के चैप्टर सारे आप लोग रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, एक या दो चैप्टर डेली निपटाइए, तब आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। साथ साथ में तब आप लोग सब कुछ कवर कर पाएंगे, वरना यहाँ पे सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और आप लोगों को ये लगेगा कि यार क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही नहीं रहे। पहले यहाँ पर चैप्टर को देखिए अच्छे से, उसके बाद में फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहिए आप लोग, तभी इन सब चीजों का आप लोग फायदा उठा पाएंगे। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, नीति आयोग। तो नीति आयोग को देखिए, जो नीति आयोग की फुल फॉर्म अगर इसको देखेंगे आप लोग, नीति, नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की गई जो कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दे। ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, पहले जो हमारी कंट्री हुआ करता था, अगर हम लोग देखें 1947 में हमारी कंट्री आजाद हुआ, 1947 से लेके अब तक का प्लानिंग कमीशन था हमारी कंट्री में, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 में हम लोगों को नीति आयोग मिला। तो इससे पहले प्लानिंग कमीशन वर्क किया करता था, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी देखिए जो पुराने बेस पे चली हुई आ रही थी, पर लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, पहले आप लोगों ने सुना होगा ओरकुट हुआ करता था, ठीक है ना, ओरकुट हुआ करता था। आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में फेसबुक होता है। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी ट्रांसफर होती है और इसी वजह से हमारी सोसाइटी भी ट्रांसफॉर्म होती रहती है। तो उन्हीं सब चीजों को एक तरीके से आप लोग बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन में लाने के लिए, मतलब सब चीजों को साथ में रखने के लिए कुछ ऐसी चीजों की जरूरत थी जो कि हमारी कंट्री की जो चेंज हो रही है सोसाइटी, जो डेमोक्रेसी, या फिर आप लोग बोल सकते हैं आज के डेट में जो सिचुएशन सारी चेंज हो चुकी है हर एक लेवल में, चाहे वो आप लोग जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं या हमारी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए कितनी ज्यादा चीजें चेंज हो गई हैं। एक टाइम पे हुआ करता था कि वैद्य हकीम हुआ करते थे, आज के डेट में देखिए ऑनलाइन भी इलाज होते हैं, ठीक है। आज के डेट में नैनो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है लोगों के द्वारा। तो जिस तरीके से हमारी सोसाइटी और पूरे दुनिया चेंज हो रही है, उस तरीके से हमारे यहाँ पर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी जो कि चेंज होती हुई सोसाइटी के साथ में चल सके। प्लानिंग कमीशन कहीं ना कहीं एक फिक्स बॉडी हो चुका था, ठीक है, वो अपनी मनमानी कहीं ना कहीं चला रहा था। अगर देखा जाए तो वहां पे एक अप्रोच थी जो कि ऊपर से नीचे तक चीजें चलती थी, मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच बोलते थे। ऊपर बैठे हुए सारे जो भी वहां पर ऑफिशियल बैठे थे वो नीचे के लिए सारी पॉलिसी क्रिएट करते थे और उनके ऊपर चेप देते थे कि ये पॉलिसी आप लोगों को इंप्लीमेंट करनी है ना। ये देखते थे चाहे स्टेट यूपी हो, चाहे स्टेट बिहार हो, चाहे स्टेट केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, एक ही तरीके की पॉलिसी पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट की जाती थी मोर और लेस। पर लेकिन नीति आयोग का फंडा बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, वो किस तरीके से वर्क करता है आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस अब यहां पर जानने को मिलेगा आगे, अभी देखते हैं इस लेक्चर में। क्वेश्चन यहां से कई सारे पूछे जा चुके हैं आप लोग, क्वेश्चन यहां के ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कम से कम इस तरीके के क्वेश्चन तो कभी गलत होने ही नहीं चाहिए। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से गलत हो जाता है तो आप आउट ऑफ द रेस हो जाते हैं। कम से कम बेसिक नॉलेज तो आप लोगों को सारी पता ही होनी चाहिए। तो पहले तो नीति आयोग हो गया, यहाँ पर इसका नाम हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग इसको बोला जाता है। इसने किसको रिप्लेस किया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, जो कि 65 साल पुरानी एक बॉडी थी जो कि कंप्लीट यहाँ पर कंट्रोल करके चल रही थी। हम लोगों ने जब प्लानिंग कमीशन डिस्कस की थी उस टाइम पर हम लोगों ने यह भी देखा था कि किस तरीके से प्लानिंग कमीशन ने फाइनेंस कमीशन के भी कुछ जो काम था वो अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, प्लानिंग कमीशन भी पढ़ा चुका हूँ। जिस किसी ने भी अब तक ये लेक्चर नहीं देखे हैं, सारे लेक्चर आज तक जितने भी मैंने पॉलिटिकल लिए हैं, लगभग 100 लेक्चर हो चुके हैं, सारे लेक्चर आप लोगों को नीचे लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो के नीचे, तो जाकर उनको देख सकता है और जिसने रिविजन नहीं किया वो रिविजन भी कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को जानने को मिला कि ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आया। पर दोनों ही चीजें, चाहे बात कर ले प्लानिंग कमीशन की और चाहे बात कर ले नीति आयोग की, दोनों ही एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से आए, मतलब इनके लिए कोई भी हमने पार्लियामेंट में ना तो कोई लॉ पास किया कि हाँ पार्लियामेंट में हम लोग लॉ पास करके प्रॉपर वे में उसको बना रहे हैं, और ना ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करके चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन में इनको रखा है। तो इस तरीके से ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप इसको बोल सकते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है इसके ऊपर भी आप लोगों के लिए लेक्चर अवेलेबल है दोनों। देखिए आप लोग बार बार कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर ये लेक्चर बना दीजिए, ये लेक्चर बना दीजिए, लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक तो कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगी, ठीक है। तो लेक्चर अवेलेबल है, आप लोग जाके चेक कीजिए, वहां पर सारी चीजें अवेलेबल है आप लोगों के लिए। इसके अलावा अगर बात करें देखिए
इसको थिंक टैंक बोला गया है, मतलब यहाँ पे चीजें सोचना समझने वाले ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू चीजों को इंप्लीमेंट करने वाले। मान लीजिए यहाँ पर कुछ पॉलिसी बनाई गई सब चीजों को मिला दिला के, तो वो पॉलिसी फिर इंप्लीमेंट की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी या फिर पंचायत में पंचायत होगी या म्यूनसिपैलिटीज हो गई, ये उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ये ओनली एक तरीके से मॉनिटर करने का काम करेंगे। डायरेक्शन देंगे, एक तो डायरेक्शन देंगे और पॉलिसी में इनपुट देंगे किस तरीके से आप लोग पॉलिसी को चला सकते हैं, मतलब चीजों को थोपेंगे नहीं है, ठीक है। सीधी सीधी बात आप लोग ये बोल सकते हैं, मोटी मोटी बात समय किसी के ऊपर कोई चीज ये थोपने वाले नहीं है। तो इस तरीके से इनका वर्किंग प्रोसेस होगा, क्योंकि थोपने वाला काम प्लानिंग कमीशन ऑलरेडी 65 साल से कर रही थी, पर लेकिन ये थोपने वाला काम यहां पर नहीं करेंगे। तो थोपने का काम नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे, काम करेंगे यहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हिसाब से, मतलब संघवाद के ढांचे के हिसाब से, मतलब सबको साथ लेके चलेंगे। कहने का मतलब ये है सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा प्लानिंग ये नीति आयोग के द्वारा। जब सबको साथ में लेकर यहां पर चला जाएगा उसी बेस पर यहां पर देखेगा जिसका जो काम है वो अपना काम करेगा। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग बनाने का बस काम प्लानिंग कमीशन कर रही है और नीचे सब इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नीचे से भी बातें पूछी जाएंगी कि आप लोगों को क्या चाहिए और उसके बेस में पॉलिसी बनाई जाएंगी। तो यहां पर कंप्लीट चेंज कर दिया गया मॉडल, आप लोग ये कह सकते हैं। अगर आप लोगों से कोई एक वर्ड मतलब एक दो वर्ड में पूछे कि नीति आयोग बताओ क्या है, तो नीति आयोग इस तरीके का सिस्टम है जो बॉटम अप अप्रोच इंप्लीमेंट करता है। मतलब इंप्लीमेंट किस तरीके से, बॉटम अप अप्रोच का क्या मतलब है, मतलब आप लोग बातें बनाइए अपना कोई प्लान वगैरह नीचे बनाइए। प्लानिंग कमीशन मतलब जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन क्या था, वो टॉप टू बॉटम था, मतलब ऊपर प्लान हुआ करते थे और नीचे उनको इंप्लीमेंट किया जाता था म्यूनसिपैलिटीज या फिर आप लोग बोल सकते हैं पंचायत के लेवल पर। लेकिन यहाँ पे प्लान सबसे मांगे जाते हैं, इवन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी प्लान मांगे जाते हैं कि एक साल का अपना प्लान बताइए आप लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो उस तरीके से नीचे से ऊपर तक प्लान पहुंचाए जाते हैं, और जब इनके पास में प्लान पहुंच जाते हैं नीति आयोग के पास में, तब फिर बैठ के यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि किस किस एरिया में क्या क्या कमी है और उसके बेस पर पॉलिसी का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे बढ़िया बात तो यही है यहाँ पे कि क्या है, यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच है, ना कि पहले क्या हुआ करती थी टॉप टू बॉटम अप्रोच हुआ करती थी, ऊपर से पॉलिसी बन के नीचे चला करती थी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और पहले क्या हुआ करता था प्लानिंग कमीशन के टाइम पर, वन साइज फिट फॉर ऑल, मतलब एक पॉलिसी बना दी, चाहे फिर कोई केरला हो, तमिलनाडु हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश, कोई सा भी स्टेट क्यों ना, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ही क्यों ना हो, सब जगह वो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देते थे। अब भला यार किसी एरिया में तो आप लोग बोलेंगे एजुकेशन लेवल अच्छा है, किसी एरिया में बोलेंगे हेल्थ लेवल अच्छा है, तो जहां पे एजुकेशन लेवल अच्छा है वहां पे ज्यादा पैसे हेल्थ के लिए दीजिए, वहां पे हेल्थ अच्छी नहीं है, पर जहां पे हेल्थ अच्छी है वहां पे एजुकेशन के लिए दीजिए। ये थोड़ी ना है कि जहां पे एजुकेशन अच्छी है फिर वहां पे उसी स्कीम में पैसे वहां पर उसको दिए जा रहे हैं। तो ये पैटर्न चेंज करने की बात की गई, इसीलिए बार बार यहां पर क्रिटिसिज्म आप लोगों को देखने को मिलता था प्लानिंग कमीशन का, मतलब जहां पे जिस चीज की जरूरत है यार वो चीज प्रोवाइड कराओ ना आप, तब फायदा होने वाला है वहां पर, ना कि आप लोग वो चीज प्रोवाइड करा रहे हैं जिस चीज की यहां पर जरूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को जरूरत है यहां पर चेंज करने की सिस्टम को, तो वो सिस्टम चेंज किया गया है नीति आयोग को रिप्लेस करके, वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को लेके आया गया। तो ये कंप्लीट आप लोग देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं आज की डेट में जिस तरीके से एक ग्लोबलाइज इकोनॉमी हो चुकी है, तो ग्लोबलाइज इकोनॉमी में अगर अपने आपको फिट करना है आज की डेट में, तो कहीं ना कहीं देखिए एक अच्छी थिंकिंग की होना जरूरी है और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट यहां पर इंप्लीमेंट होने जरूरी है, अगर रियली में चाहते हैं कि ग्लोबलाइज इकोनॉमी में हमारे भी पैर टिक सके, ठीक है। तो ये कंप्लीट यहां पर इसका कॉन्सेप्ट है जो आप लोग समझ सकते हैं। अब बात की जा रही है फाउंडेशन की, फाउंडेशन का मतलब क्या है, यहां पर किस तरीके से लिए बनाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो वही है, इंपावर करने के लिए स्टेट को, मतलब फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट लाने के लिए, संघवाद का ढांचा लाने के लिए, सबको साथ में लेकर चलने के लिए, सबका साथ सबका विकास इंप्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो वही होगी कि नेशनल के डेवलपमेंट में सभी स्टेटों को साथ लेकर चलना है, जितने भी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी, तो सबको साथ लेकर चलना है, ठीक है। फोकस दिया जाएगा नॉलेज हब बनाने में कंट्री को, और चाहे उसके लिए इंटरनल रिसोर्सेज यूज किए जा सकते हैं या फिर एक्सटर्नल, मतलब चाहे तो इंटरनल जो आदमी है हमारे यहाँ पर, जो भी यहाँ पे हमारी सिटीजन है वो तो वही है, इसके आदमी अगर हमको जरूरत पड़ेगी एक्सटर्नल सोर्स लाने की भी, मतलब दूसरी कंट्री अगर इस फील्ड में अच्छे से वर्क कर रही है, अगर वहां से भी हमको मॉडल यूज करना पड़ेगा, वहां से भी हमको कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो उसको भी हम यूज करेंगे, बस हमको अपना नेशनल डेवलपमेंट करना है। इसके अलावा जो भी प्रोग्रेस हो रही है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो किसी भी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, मतलब किसी भी एरिया में क्यों ना हो, उसको प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाएगा कि सही चल रहा है या गलत चल रहा है, और गलत चल रहा है तो क्यों चल रहा है, कोई भी गैप होगा तो उसमें गैप को भरा जाएगा,
और देखिए सब चीजों को एक तरीके से एक मिनिस्ट्री को भी सबको एक जगह लाने की बात की गई है, जिससे कि प्रोग्राम पे मान लीजिए देखिए आज की डेट में फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकल के पैसा आता है, ठीक है, सब जगह पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री से पहुंचता है, जो कि फाइनेंस कमीशन यहां पर जो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं अगर मिनिस्ट्री सारी एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगी अच्छे लेवल पर, तो तब से प्लान को अच्छे से इंप्लीमेंट भी किया जाएगा, एग्जीक्यूट भी किया जाएगा और मॉनिटर भी आसानी से किया जाएगा अगर सब मिलजुल कर रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर सबको लगभग कोशिश की जाएगी कि मिनिस्ट्री को एक साथ मिला के रखा जाए, जिससे कि आराम से डिस्कशन हो सके और इंटर मिनिस्ट्री भी बातें आराम से की जा सके। अगर कोई प्लान कहीं पे किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, एक दूसरे से डिस्कस करके एक दूसरे से राय लेके चीजों को आगे बढ़ाया जा सके, तो उन सब चीजों पर यहां पर फोकस देखने को आप लोगों को मिलेगा। अब थोड़ा कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं कि कंपोजिशन क्या है, किस किस से मिलकर यह वहां पर जो कंप्लीट नीति आयोग बना हुआ है। तो सबसे पहले चेयरपर्सन की बात करते हैं। जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन में आप लोगों को देखने को मिलता था, वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कंप्लीट काम करती थी, इसी तरीके से चेयरपर्सन यहां पर भी कौन है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही है। इसके अलावा यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलेगी। गवर्निंग काउंसिल जो रहेगी उसके अंदर यहाँ पर सारे चीफ मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। चीफ मिनिस्टर रहेंगे ऑल स्टेट के और चीफ मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे दिल्ली और पौंडीचेरी के भी। इसके साथ में आप लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलेंगे जो अदर यूनियन टेरिटरी है, मतलब 29 स्टेट के चीफ मिनिस्टर, दो स्टेट जो दो यूनियन टेरिटरी होगी उसके चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा जो पांच यूनियन टेरिटरी बन गए उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये सब यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ में यहां पर रीजनल काउंसिल होगी। रीजनल काउंसिल जो रहेगी ये चेयर की जाएगी जो नीति आयोग के चेयरपर्सन है, या फिर उसके द्वारा कोई नॉमिनी किया जाएगा कि हाँ यार मेरे पास में टाइम नहीं है, तुम इसको चेयर कर सकते हो, ठीक है। मतलब कहने का ये हो गया कि प्राइम मिनिस्टर किसी और को भी दे सकते हैं चेयर करने के लिए। तो ये किसके लिए है, ये किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई प्रॉब्लम आ रही है और इस तरीके किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात कर सकते हैं, एक स्टेट या फिर दो स्टेट या उससे ज्यादा स्टेट भी यहां पर हो सकते हैं, तो स्पेसिफिक पर्पज के लिए इसको स्पेसिफिक टाइम के लिए इसको बनाया जाएगा। मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकालने के लिए ये रीजनल काउंसिल बनाई जाएगी और किसी पर्टिकुलर थोड़े टाइम के लिए बनाई जाएगी, जब तक कि प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती उसके बाद में ये डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहां से इस तरीके की रीजनल काउंसिल भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा स्पेशल इनवाइटीज, मतलब अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट देखने को मिलेंगे आप लोगों को। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी नॉलेज की जरूरत है, यहां पर कोई प्रोजेक्ट लगाना है, मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान ही चल रहा है, तो स्वच्छ भारत अभियान को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। ओपन डेफिकेशन फ्री हम लोगों को सोसाइटी बनानी है, जो कि खुले में सोच करते हैं, किस तरीके से उसे सुलझा जा सकता है। पानी का लेवल जो गिरता जा रहा है आज की डेट में, आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा पानी का जो ग्राउंड लेटर, जो ग्राउंड लेवल वाटर है, वाटर टेबल बहुत ज्यादा नीचे पहुंच चुकी है, किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है हम लोगों को। तो हर एक एरिया के अपने अपने डोमेन के एक्सपर्ट यहां पर रहेंगे, जिससे कि चीजों को यहां पर डिस्कस किया जा सके, अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड कराई जा सके और इनको नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये तो कंपोजिशन यहां पर आप लोगों को मिल गई। अब देख लेते हैं ओरिजिनल फ्रेमवर्क क्या है। ओरिजिनल फ्रेमवर्क क्या है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर हो गए, वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। और जो ये वाइस पर्सन यहां पर होंगे, जो भी यहां पर होंगे वाइस चेयरपर्सन जो भी यहां पर होंगे, ये कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होंगे, मतलब जो मिनिस्टर की रैंक होती है उसकी रैंक के इक्विवेलेंट होंगे, मतलब मिनिस्टर नहीं होंगे, मिनिस्टर की रैंक के इक्विवेलेंट इन सबको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहां पे आप लोगों को मेंबर देखने को मिलेंगे जो फुल टाइम मेंबर होंगे। ये फुल टाइम मेंबर आप लोगों को जो मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, जो इस तरीके से वो रैंक इंजॉय करते हैं स्टेट मिनिस्टर, उस तरीके से इनकी रैंक आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहां पर पार्ट टाइम मेंबर होंगे, मैक्सिमम दो होंगे, ये भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर का क्या मतलब होता है, यहां पर बोला गया चार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से मेंबर निकाले जाएंगे जिनको नॉमिनेट करेगा प्राइम मिनिस्टर। मतलब कहने का मतलब ये है, मान लीजिए जो चार मेंबर ये बोले जाएंगे अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होंगे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर बनते ही ये ऑलरेडी इसके मेंबर बन गए। इसका मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब यही होता है। आप लोग दूसरा एग्जांपल इसके लिए समझ सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए उनका इलेक्शन होता है, पर लेकिन उनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोला जाता है राज्यसभा का। मतलब यह है कि जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट बने तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन गए राज्यसभा के, मतलब इसके लिए इलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट कोई भी इंसान लेगा, वो इनडायरेक्ट वे में, आप तो डायरेक्ट वे में कह सकते हैं, बिना किसी इलेक्शन के, बिना किसी सिलेक्शन के, ये डायरेक्ट यहां पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का बन जाएगा। राज्यसभा का चेयरमैन अपने आप बन जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीतते ही। यहां पर इसके लिए कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, कोई इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक बार आ गया है वो यहां पर डायरेक्ट मेंबर ये बन जाएगा यहां पर इसका ये नीति आयोग का, ठीक है। इसके लिए अलग से कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं यहां पर, ये भी अपॉइंट किए जाते हैं
प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फिक्स टेन्योर रहता है इनका, इतने टाइम पीरियड के लिए किया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर सेक्रेटरीट देखने को मिलेगा जो कि सब चीजों को देखभाल करेगा। इसके लिए पर्टिकुलर एक आप लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर मंत्रालय टाइप का होता है, सेक्रेटरी रैंक की जो चीजें होती है वहां पर, जिस तरीके से आप लोग नॉर्मल मिनिस्ट्री में भी देखते हैं डिफेंस सेक्रेटरी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, हर एक उसमें देखने को मिला, फाइनेंस की भी आप लोगों को देखने को मिलेगा सेक्रेटरी, तो यहां पर भी एक पूरा सेक्रेटरीट बनाया जाएगा उसी हिसाब से कि यहां पर प्रॉपर वे को देखा जा सके। ओके, तो एक कंप्लीट यहां पर आप लोगों को इसका फ्रेमवर्क देखने को मिलेगा क्या आज के डेट में हो चुका है ये। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट को लेके। तीन तरीके की विंग में यहां पर कंप्लीट डिवाइड किया गया है, स्पेशलाइज्ड विंग यहां पर बोला गया है, मतलब एक तो यहां पर रिसर्च विंग रहेगी, ये टोटली रिसर्च का काम करेगी, और अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया है तो कितना उसका बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम सामने आ सकती है, और इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है, ये सारा काम यहाँ पर आप लोगों को रिसर्च विंग में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये अपने अपने एरिया के 30 मार्क, हाँ अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब डिस्कशन होगा मार्केट क्या काम कर रही है, ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप किस तरीके से यहाँ पर की जा सकती है, मतलब गवर्नमेंट भी काम करे साथ में मिलके और प्राइवेट जो कंपनीज है उनको भी साथ में मिलाकर किस तरीके से चला जा सकता है, किस तरीके से कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है यहाँ पर आज की डेट में, ये जब यहाँ पर हो जाएगा इसके बाद में आप लोग बोल सकते हैं रिसर्च करने के बाद में फिर डिस्कशन काइंड ऑफ चीजें यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीजों को देखा जाएगा एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो ये वाली यहाँ पर कंसल्टेंसी विंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये हो गया ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने वाला, मतलब टीम इंडिया के तहत यहाँ पे आप लोगों को सारी स्टेट की जितनी भी मिनिस्ट्री है ना सबसे यहाँ पे मेंबर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस तरीके से जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि VIP हो गए इनसे तो मिला ही नहीं जा रहा है, नीति आयोग के मेंबर से कोई भी स्टेट की मिनिस्ट्री कोई भी आकर किसी भी टाइम मिल सकता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर इतना इजीली अवेलेबल इन चीजों को प्रोवाइड कराया गया है जिससे कि अगर कहीं पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टाइम किसी भी प्रोजेक्ट में वो आकर यहाँ पर इनसे बात कर सके। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को सारे स्टेट दिखेंगे, सारे स्टेट के मिनिस्ट्री, इसी तरीके से सेंट्रल मिनिस्ट्री आप लोगों को सारी दिखेंगे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव उनके, जिस तरीके से एक दूसरे से बात करके चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये टीम इंडिया के तहत बात बोली गई है, टीम इंडिया विंग मतलब पूरी इंडिया से यहाँ पर आदमी को यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर हर एक एरिया से रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, चाहे वो स्टेट से हो चाहे वो किसी पंचायत से हो, मतलब इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट से आप लोग देख सकते हैं जब मिनिस्ट्री रिप्रेजेंट हो गई तो वहां से इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट भी रिप्रेजेंट हो गया, तो कहने का मतलब ये टीम इंडिया में यहाँ पे सब कुछ आ गया। ठीक है, तो सबको साथ में लेकर चलना है, सबको मिला के चलना है, तो वो काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये तीन तरीके की विंग है जो अपने अपने लेवल पे अच्छे तरीके से वर्क करेंगे और देखेंगे कि किसी प्लान को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया जा सकता है। राजीव गांधी जी ने बोला था ऊपर से 100 रुपए चलते हैं नीचे तक 16 से 15 पैसे पहुंचते हैं। ठीक है, बाकी के कहां गए? अब यहां पर ये सारी चीजें इन्हीं सब चीजों को हटाने के लिए, करप्शन हटाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए, ग्राउंड लेवल पर चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए इसका काम किया जाएगा। तो ये कंप्लीट यहां पर फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूरा ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है। देखिए, सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव यही है कि सेंटर और स्टेट और यूनियन टेरिटरी सबको साथ में लेके चलना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म संघवाद का ढांचा इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, इसके अलावा प्लान जो फॉर्मुलेट करना है वो विलेज में फॉर्मुलेट करना है और हायर लेवल तक पहुंचाना है उसको। ठीक है, मतलब हर एक गांव में अपना अपना प्लान बनाइए और ऊपर तक पहुंचाइए, गांव से पहुंचाइए ब्लॉक पर, ब्लॉक में पहुंचाइए डिस्ट्रिक्ट पर, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट पे और स्टेट से फिर सेंटर पर, तो इस तरीके से प्लान पहुंचना है। स्पेशल अटेंशन दी जाएगी उन एरिया में जो ज्यादा है, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जिनकी ज्यादा अच्छी नहीं है, उन एरिया पे ज्यादा फोकस दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नेशनल सिक्योरिटी पे भी ज्यादा फोकस दिया जाएगा जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को ना मिले। अलग अलग तरीके से इनोवेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। हमारी कंट्री में देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, बस चीजों को खरीद लेते हैं दूसरी कंट्री से, तो उन सब चीजों पर फोकस नहीं किया जाएगा। अपनी खुद की बनानी है हम लोगों को, मेक इन इंडिया करना है हम लोगों को, जिसके बेस पर हमको अपनी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, तो वो सारा फोकस हम लोगों को देकर चलना है। इसके अलावा अगर कहीं से फीडबैक मिल रहा है तो उसको लेकर यहाँ पर आगे बढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, पार्टनरशिप करनी है नेशनल और चाहे इंटरनेशनल भी अगर हमको जरूरत पड़ती है, हर एक तरीके का यहाँ पर इंसान होना चाहिए, हर एक तरीके का थिंक टैंक यहाँ पर होना चाहिए जो कि अपनी राय दे सके, मतलब राय के लिए हर टाइम खुले हुए हैं। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम हो तो लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, ये हर टाइम ओपन है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर बोला जाता है कि किसी की कोई भी राय तो आकर हमको बताइए कि किस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नॉलेज इनोवेशन और यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट किया जाएगा, मतलब जॉब लेने के बजाय जॉब क्रिएट करना सिखाया जाएगा। ठीक है, कि मतलब आप लोग जॉब के पीछे न भागे, जॉब सीकर न बने, मतलब जॉब लेने वाले न बने, जॉब गिवर बने, आप लोग ऐसे बने कि दूसरों को जॉब दे सके, तो इस तरीके का यहाँ पर इन्वायरमेंट डेवलप किया जाएगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक लार्ज स्केल पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है।
इसके अलावा नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए चाहे इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं, इंटर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब किसी सेक्टर की बात कर रहे हैं, उनको सबको मिलाकर काम किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है तो उसको सुलझा के आगे बढ़ा जाएगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली सड़कें आप लोगों को खुद ही मिलती हैं, कौन खोद के जाते हैं, टेलीकॉम डिपार्टमेंट वाले खोद के गए कि उन्होंने क्या किया, लाइन दाबी थी यहाँ पर, तार दाब के गए थे, खोद के चले गए। अब काम किसके अंडर में बच गया, वो तो खोद के चले गए, पर लेकिन सुधारेगा कौन उसको, सुधारेगा कौन उसको, तो वो बात साइड में चली जाती है, सुधारने वाला कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब एक खोद के चला गया, अब वो पड़ा हुआ है कई महीनों तक, सालों तक भी पड़ा रहता है ऐसा कि हमने तो खोदा नहीं था, हमसे किसी ने बात ही नहीं कि हाँ उसको सुधारना भी है। तो ये सब जो इशू रहते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, इन सबको सोल्व करके चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देख आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गुड गवर्नेंस पे भी फोकस किया जाएगा, जिस तरीके से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके यहाँ पर सेंट्रो चाहे स्टेट लेवल पर सब जगह। और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे फोकस किया जाएगा, जो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करें, ये नहीं कि आज की डेट में भी यहाँ पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आज के डेट में कंप्यूटर आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, अच्छे से अच्छे अच्छे ऐप आ रहे हैं, उनको यूज करके हम लोगों को आगे बढ़ना है, ना कि आज के डेट में भी ये फोर साइड सीट लेके बैठे और उस पर कलम पेन से लिख रहे हैं या फिर टाइपराइटर यूज कर रहे हैं, तो उन सब चीजों से ऊपर बढ़ना है, ठीक है। तो जिस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कैश को कम करके आज के डेट में कैशलेस सोसाइटी हम लोगों को बनानी है, और कैशलेस सोसाइटी के साथ में हम लोगों को साइबर सिक्योरिटी पर भी फोकस देकर चलना है, ठीक है। स्मार्ट सिटी हम लोगों को बनानी है, स्मार्ट पुलिसिंग हम लोगों को बनानी है। तो वो सारा काम किस तरीके से किया जाएगा, वो सारा काम तभी किया जाएगा जब चीजों को बैठकर समझा जाए, समझने के बाद में उसको इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचा जाए, तो तभी वो चीजें सब पॉसिबल है। ऐसे हवा में तीरबाजी करने से कुछ नहीं होगा कि हाँ ये बना दिया और ये कर दिया है। तो जिस तरीके से आप लोग भी अपना प्लान बनाते हैं ना, टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल दुनिया बनाती है, आप कोई यूनिक नहीं हो, पर लेकिन इंप्लीमेंट कितना कर पा रहे हो आप उसको, डेली बना के उसको दीवार पर चिपका देने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको डे बाय डे देखना पड़ेगा कहां पे कमी आ रही है। ये सब्जेक्ट आज मैंने कवर कर लिया, अगले दिन ये सब्जेक्ट कवर करने हैं, कोई नहीं आज इतना कवर किया कल रह गया, इसको भी कवर करूंगा और नेक्स्ट वाला भी करना है मुझे, अपना प्लान इस तरीके से देख के चलना है, तो वही काम यहां पर नीति आयोग करेगा, ठीक है। तो ये सारा इस तरीके से कंप्लीट ये लेक्चर था आपके लिए। जब मैं कभी पढ़ा करता था तो मुझे मेरी 2 घंटे की क्लास हुई थी, और उस 2 घंटे की क्लास में सारी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खत्म करवा दी गई थी। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं जो प्रॉब्लम फेस मैंने की है, मैं नहीं चाहता हूं कि वो प्रॉब्लम फेस आप भी करें, इसीलिए इतना डिटेल में यहाँ पर चीजें आप लोगों को बताई जा रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये चीजें शेयर भी कर दिया कीजिए, जिससे कि सबको फायदा हो जाए। लाख लाख रुपए की कोचिंग में भी आप लोगों को ये चीजें 2-2 घंटे में निपटा के साइड में कर देते हैं, उनको सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब होता है, आप लोगों की पढ़ाई से नहीं, सिलेक्शन से उनको मतलब नहीं होता है, क्योंकि वहां पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं, हजारों में से उनके 2-4 सिलेक्शन निकल ही जाते हैं जो उनको दिखाने होते हैं, और नहीं भी निकलते हैं तो वो लोग खरीद लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये चीज समझ सकते हैं जो कोचिंग कर रहे होंगे, इतने डिटेल में आप लोगों को अगर कहीं कोचिंग में जा कहीं पे मिलता है तो मुझे बताइए, मैं और भी बच्चों को प्रेफर करूंगा वो कोचिंग, अच्छी कोचिंग है जहां पे इतने डिटेल में चीजें पढ़ाई जा सकती हैं, ठीक है। मैं कोचिंग की बुराई नहीं कर रहा हूं, अगर कहीं पे इतने डिटेल में चीजें पढ़ाई जाती हैं तो वो कोचिंग वाकई में ही अच्छी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, तो चीजें शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि जिसके पास पैसे नहीं है कम से कम उसको तो कुछ मिल जाए, तो यहाँ चीजें फेसबुक पर आप लोग शेयर कर दिया कीजिए। और इसके अलावा देखिए अपने आसपास सफाई रखिए जितना हो सकता है, पानी और पेड़ पौधों को भी सेव कीजिए, और मिलजुल कर रहिए, रिवीजन करते रहिए, जितना आप पढ़ लेते हैं ना ऐसे किसी को पढ़ा दिया कीजिए, जाकर आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, सबसे शानदार तरीका है रिवीजन करने का ये, ओके। तो आज के लिए इतना ही, देखिए लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी किया कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे कि उसको सुधारा जा सके आने वाले टाइम में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।